तुम लोग जब अपने इंटरनेट को ऑन करते हो तुम्हें 2G लिखा नजर आता है, जबकि तुम्हारा मोबाइल फोन 4G, 5G, 6G सपोर्टेड हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, अपने एक ऑप्शन को इनेबल करना है जिससे तुम्हारा मोबाइल फोन एक मिनट के अंदर 5G हो जाएगा, 4G हो जाएगा। उस ऑप्शन को तुमने कैसे इनेबल करने आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा मसला आ रहा है, यहाँ पर वो 4G कनेक्टेड करना चाह रहे हैं बट उनका मोबाइल फोन 2G सपोर्ट कर रहा होता है। वो चाहते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाए लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक सेटिंग को नहीं कर रखा होता है जिससे उनका मोबाइल फोन 4G सपोर्ट नहीं करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने मोबाइल फोन को आप 4G पे चला सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मोबाइल फोन 4G सपोर्ट कर रहा है। तो आपका हर मोबाइल फोन, छोटे से छोटा एंड्रॉयड हो या आपका महंगे वाला फ़ोन हो, तो आपका हर मोबाइल फोन 4G कनेक्टेड होता है, सिर्फ आपने एक सेटिंग को करना होता है। चलिए उस सेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर चले जाना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर जाते हो आपको यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके अंदर आपके मोबाइल फोन की इंटरनेट की सेटिंग होती है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है यहां पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, दूसरे नंबर पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले उस सिम को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इंटरनेट चलाना चाह रहे हो। उस सिम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे चले जाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता होगा सिम कार्ड इन्फो एंड सेटिंग का, आपने जिस सिम पर यहाँ पर इंटरनेट चलाना है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे आपके सामने आपकी सिम का नेम, आपका नंबर, आपका सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आपने जितना मोबाइल फोन में डाटा यूजेस किया होगा वो भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर प्रीफेयर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस प्रीफेयर्ड नेटवर्क टाइप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको 4G पे सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या करना है, अपने मोबाइल फोन को आपने सबसे पहले ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपने अपने मोबाइल फोन को दोबारा से रिस्टार्ट कर देना है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करोगे आपका मोबाइल फोन 4G पे कनेक्टेड हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में 4G इंटरनेट चलने लग जाएगा। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में 4G इंटरनेट चला सकते हो। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।